क्या हम हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? आप हरियाणा में क्या चैलेंजेस देखते हैं? हरियाणा में ये हाल हो गया है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं। बहुत सारे आपके जो ऐसे गुड माने जाते हैं जो अपना आप चुनाव भी नहीं जीत पाते लेकिन वो दावेदार बनते हैं सीएम पद। आप लोग बनाते हैं ना गुटबाजी। तो जो विकास है हरियाणा में वो गुड़गांव से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? 2014 में जी आपको ध्यान, उससे पहले क्या है हरियाणा में जो एयरपोर्ट था जी, सेकेंड एयरपोर्ट यहाँ बनना था जी, एयरफोर्स से भी हमने क्लियरेंस ले ली, वो भी यहाँ से चला गया। रेलवे कोच फैक्ट्री लगनी थी सोनीपत में, वो भी चली गई। तो यहाँ कोई प्रोग्रेस के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोकसभा चुनावों के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्या आपको लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है? NLD की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, तो क्या आप इनके साथ समझौते के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है। कांग्रेस की हार से आप क्या चिंतित हैं? आपको लगता है कि हरियाणा पर भी उसका असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा के साथ साथ जितने जिले हैं राजस्थान में, वहाँ सब कांग्रेस जीती है।